नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। जी हाँ, आज खास दिन हम देश देशांतर के इस एपिसोड में बैठे हैं। खास मेहमानों के जरिए आम आदमी पार्टी को मिली जीत शायद किसी के भी अनुमान से बाहर है। जितनी सीटें इन्हें मिल रही हैं शायद खुद आम आदमी पार्टी ने भी ये नहीं सोचा था, उनका भी जो अंदाजा था उससे बाहर निकल चुकी हैं सीटों की जो तादाद है। लेकिन अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा पार्टी के लिए, आम लोगों के लिए, जिन्होंने बहुत सारी उम्मीदें पाल कर इतनी सारी सीटें, इतना वोट, इतना समर्थन दिया है आम आदमी पार्टी को। आंकलन करेंगे कि किस तरह से जो नौ महीने के अंदर ही मोदी सरकार जो है उससे नतीजे पैदा करने और दिखाने की उम्मीदें की जा रही हैं। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अभी से सत्ता विरोधी लहर जो है वो एनडीए सरकार के लिए शुरू हो गई है। हालांकि इस क्लेम को, इस आर्ग्यूमेंट को भी हम जांचेंगे या मेहमानों के सामने। लेकिन क्या देश का जो आम वोटर है वो अब सब्र करने को, धैर्य रखने को तैयार नहीं है? उसे फास्ट डिलीवरी चाहिए, उसे फौरन नतीजे चाहिए। ऐसे में क्या राजनीति की तस्वीर बदलेगी? क्या वाकई जो ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स भारत में होती आई है क्या वो बदलेगी? क्या जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देखते आए हैं, जो स्टेटस को बनाने वाली पॉलिटिक्स है, उसे वो भी बदलनी चाहिए क्या? वोटर की प्रकृति जिस तरह से बदल रही है, वोटर का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स होने के अलावा राजनीतिक दलों के एक्टिव नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए नहीं, कि किस तरह से जो है इस इलेक्शन को खासकर समझना चाहिए। हालांकि कहा जाता है कि लगभग एक म्यूनिसिपैलिटी जैसा इलेक्शन होता है दिल्ली का, लेकिन उसके बावजूद जो इसकी सिम्बॉलिक वैल्यू है इस इलेक्शन की, यानी जो सांकेतिक जो इसका मूल्य है वो कहीं कहीं ज्यादा है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी से ब्रजेश कलप्पा मौजूद हैं, स्वागत है आपका। आरपी सिंह जी मौजूद हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। मेरे साथ तीसरे खास मेहमान नागेंद्र शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट, लीगल एडिटर मनीष छिब्बर। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि जो कुछ सवाल मैंने अभी अपनी भूमिका में, अपने इंट्रोडक्शन में पूछे हैं, क्या आपको लगता है वाकई ये चुनाव इतना बड़ा था? लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो मई 2014 में जिसके नतीजे आए उसके बाद से इसे उसके बाद बड़ा इलेक्शन माना जाएगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं माना जाएगा? आप देखिए, अगर मुझे लगता है काफ़ी बीजेपी वालों का ये मानना होगा कि ये एक म्यूनिसिपल इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन है, इसे देश की राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, और उसकी वजह ये है कि अगर ये सिर्फ एक स्टेट का इलेक्शन हो तो आपने जैसा ये लैंडस्लाइड देखा है, जैसे एक तरफा वोट पड़ा है, वैसा तो नहीं होता। आप केवल 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में इलेक्शन जीत के आई है मोदी के नाम पे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। दिल्ली में ऐसा क्या हो गया कि उनका जादू नहीं चला? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लोगों के बीच में एक सिग्नल गया है कि शायद लोग देश की जो राजनीति है उससे खुश नहीं है, जो कि इस समय बीजेपी लेड है। तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि दिस इज ऑल्सो पॉसिबली, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लफ्जों में, कुछ मायने में ये एक मोदी सरकार के खिलाफ वोट। क्या लेकिन मनीष पर आप कह रहे हैं कि हालांकि बीजेपी ये नहीं मानेगी, ये उनके लिए ठीक भी है रणनीति के तहत भी, लेकिन अगर ऐसा होता और वाकई ये सिर्फ एक ग्लोरिफाइड म्यूनिसपैलिटी जैसे कहते हैं, अगर वैसा ही इलेक्शन होता तो खुद जो है वो अपने जो स्टार कैंपेनर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको शायद बीजेपी उनका चेहरा सामने नहीं लाती अगर वाकई उनके लिए इतना हल्का इलेक्शन होता। लेकिन क्या आप इसको ये भी मानते हैं कि टेक्निकली अगर कहें तो इसमें विरोधी लहर थी? बिल्कुल थी, और मुझे लगता है सत्ता विरोधी इसलिए थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से ये नहीं तय कर पा रही थी जो गवर्नमेंट है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पिछले 9 महीने से तो यही सरकार है, तो आप चाहते तो पहले करवा सकते थे। आपने इलेक्शन इस टाइम पे करवाई जब आपको लगा कि अब सब माहौल ठीक है, एक सिग्नल हमारे लिए अच्छा है, उसके बावजूद आप केवल 3 सीटों पर सिमट के रह गए। और बनस्पत इसके डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने जितने बीजेपी के कद्दावर नेता है, अरुण जेटली से लेकर आप शुरू करिए जो चाणक्य माने जाते हैं, उन सब लोगों को आपने इस अगर आपके लिए इतना छोटा राज्य था तो आप इन सब लोगों को क्यों आगे किया? और इसकी कोई नेशनल वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, आपने पूरे देश से अपने एमपीज बुला के दिल्ली में बिठा दिए। कई एमपी से हम बात करते थे, वो लोग कहते थे हमें पता ही नहीं हमको करना क्या है, फिर भी बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद आप सिर्फ 3 सीटों पर सिमट के आगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है कि क्या वोट कितना उनके खिलाफ गया है। आरपी सिंह जी, क्या वाकई ये सत्ता विरोधी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी ऑफिशियली शुरू हो गई है? कि इस चुनाव को मेरा प्रत्यक्ष दूसरा है चुनाव पर। ये कोई मोदी जी के
चुनाव प्रधानमंत्री पद पर या उनके सरकार के प्रति कोई मैंडेट या उनके कोई प्रस्पेक्टिव नहीं था इसका, इसका प्योरली लोकलाइज इलेक्शन था। ये सब ये कि जो आपने शुरू में कहा कि आज बड़ी लोग जो रिजल्ट्स चाहते हैं, जो प्रॉमिसेस चाहते हैं, वो ऐसे चाहते हैं जो कि बड़ी स्पीड से डिलीवर हो। और ये शायद मेरा सवाल जुड़ा हुआ है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि चूंकि नतीजे नहीं आए या अब तक नहीं आए, हालांकि सिर्फ 9 महीने हुए हैं और वाकई इस बात को प्रैक्टिकली समझा जाना चाहिए, लेकिन लेकिन मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, इसलिए मैंने पूछा है कि क्या वाकई नतीजे ना आने की निराशा में अभी फिलहाल वोट आपके खिलाफ पड़ गए, तो क्या ये सत्ता विरोधी लहर है? नहीं, मैं नतीजे ना आने का इशू नहीं है, इशू है कि आप प्रॉमिसेस कैसे कर रहे हो और वो प्रॉमिसेस क्या बाद में डिलीवर हो पाएंगे नहीं होंगे। देखिए, मैं ये मानने को तैयार हूँ आज आपके सामने कि आप पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए, मतलब केजरीवाल ने जो प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस ज़्यादा लुभावने थे पब्लिक के लिए, बनस्पत हमारे जो प्रॉमिसेस थे, जो हमारा एजेंडा था उससे उनको लुभावने लगे। फॉर एग्जांपल, बिजली का बिल आधा, पानी का बिल माफ, ये क्लिक करता है, ये लोगों को लगता है सीधा सीधा बेनिफिट है, मेरे को मेरा बिजली का बिल आधा हो जाएगा, बड़ा आज बिजली का बिल ज़्यादा है दिल्ली में, और हमारा पानी का बिल माफ़ हो जाएगा, पानी का बिल बड़ा इशू है, तो पानी का बिल माफ तो कर देंगे, पर आज दिल्ली के पास पीने का पानी नहीं है। मैं जिस विधानसभा में रहता हूँ, जिस विधानसभा चुनाव आज हार रहा हूँ मैं, वहाँ पर एक तरह विधानसभा के पास पीने का पानी नहीं है। आप बिल माफ करो या आधा करो, उससे क्या लाभ होने वाला है? पहले वहाँ के लिए पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो। नहीं तो क्या सत्ता विरोधी लहर है या नहीं? नहीं, मैंने कहा ये सत्ता विरोधी लहर नहीं है, उनका जो वादा था वो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं। आरपी सिंह जी, क्योंकि आपसे सवाल ज्यादा इसलिए बनते हैं क्योंकि ये नई तरह की उम्मीदें जगाना, ये आसमान तक लोगों की उम्मीदें पहुंचाना, इस तरह के वादे करना जो शायद मुमकिन नहीं है, पूरी जो अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है उसके अलग जाकर इस तरह के वादे करना, कहीं ना कहीं जनता की जो माइंड है, जो उसका दिमाग है, उसको कंडीशन करने में, उसको बड़ा सोचने में एक योगदान बीजेपी का भी रहा है। मैं इसको फिर वापस कहता हूँ, जो उन्होंने वादे किए वो लोगों को अच्छे लग रहे थे, हमारे हमने जो प्रॉमिसेस किए, जो हम कह रहे थे वो डूएबल थे, वो लगा नहीं ये तो ऐसे है जो हमारे को हमारी जेब नहीं भरते, जुमले नहीं थे, जुमले नहीं थे वो जुमले। मैं आप सोचो, मैं बिजली का बिल आधा और पानी का बिल माफ, उन्होंने कह दिया मैं पानी का बिल माफ करूँ, पर पानी दो तो सही माफ करो, पर पानी दो तो सही, वो लोगों गले से ज्यादा उतर रहे आज वो। अब मैं उनका मैं महंगाई कम करूंगा, मुझे पसंद कैसे महंगाई कम करेंगे दिल्ली में, देखते हैं वो कैसे उनके पास कैसे जादू, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं और मैं ईमानदार से चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ वो दिल्ली में बिजली का बिल आधा करें सारी, ये नहीं कि 200 यूनिट 150, ना ये नहीं होना चाहिए कि 150 यूनिट तक आधा है, 200 सब पूरी दिल्ली का अक्रॉस दी बोर्ड, ठीक है, बिजली का बिल आधा होना चाहिए, और पूरी दिल्ली को पीने का 20,000 लीटर पानी का होने, 20,000 लीटर पानी देंगे। चलिए बहुत डिटेल में न जाके मैं चाहती हूँ कि इस बहस का जो एक फोकस है कि क्या वाकई जो हमारा इलेक्ट्रेट है, जो हमारा मतदाता है, क्या उसके सोचने का नजरिया बदल रहा है और क्या इसको पॉलिटिक्स जो है इसको फॉलो करेगी या नहीं। ब्रजेश करप्पा, माना यह जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो स्टेटस को बनाने में काफी माहिर है कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी, बदलाव हम नहीं करेंगे। क्या आपको भी ये रियलाइजेशन है, क्या ये सोच या आत्ममंथन पार्टी में है कि मतदाता बदल रहा है, राजनीति बदलनी चाहिए, राजनीतिक दलों को बदलना चाहिए? देखिए आरफा जी, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कहता हूँ कि जब से मई 2014 के बाद हमारा एक कोशिश रहा है कि जो पॉलिटिक्स, जो रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स हो, हम उसका उसके रास्ते में थे, लेकिन बात यह है कि हर 2 महीने में चुनाव आ रहा था, तो अब जो है चुनाव का प्रक्रिया खत्म है, इसके बाद दिल्ली के बाद वैसे भी हमारा रीशफल होने वाला है, तो लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें रीशफल होगा, तो ये हमारा एज इन सो फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न। जैसे आपने बड़ा मुद्दा जो उठाया, बुनियादी सवाल, तो उसमें जो है आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि दो पॉलिटिकल पार्टीज है जो हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस पे निशाना साधते थे, एक जो है बीजेपी, जो कहते थे कि हम करप्ट है, हम काम नहीं किए, हम ज्यादा गवर्नेंस किए, वो मिनिमम गवर्नेंस करेंगे, कालाधन के बारे में हम पे निशाना साधते थे, तो उनको पब्लिक ने एक मौका दिया हुआ, उनको कहा है कि अब आप सिर्फ अपनी पार्टी की बात करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं चाहती हूँ कि राजनीति हो, जी बहुत ईमानदारी के साथ मैं चाहती हूँ राजनीति के बारे में ही नहीं है, मैं आपकी पार्टी के बारे में सिर्फ पूछ रही हूँ, मेरे पार्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक ने बीजेपी को एक मौका दिया है
कि भाई आप इतना जो क्रिटिसाइज कर रहे थे इसको आप जो है आपके पार्टी के स्टेटस को इस जो टेंडेंसी है कि जैसा माहौल है जैसी चीजें हैं वैसी बनी तो रहे, उसका मैंने बोल दिया। माहिर है कांग्रेस पार्टी में पूछ रही हूं तो मैंने बोल दिया कि मैं पूछ रही हूं क्या आप मंथन हो रहा है कि आपकी रणनीति ठीक है। नहीं नहीं हम जो है इसके बारे में सीरियस आलोचना हुई है और उसके बारे में जो है रिशफल होगा कुछ ही दिन में होगा और काफी चेंज हो गए ठीक है। बट इन सो फार एज द पॉलिटिकल पार्टीज एज फार एज हाउ द सिचुएशन इज वर्कड आउट इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि एक तो बीजेपी को पब्लिक ने मौका दिया है और दूसरा जो है जो निशाना साधते थे कांग्रेस पे और वो था आम आदमी पार्टी जो कहते थे करप्ट है सारा जो चीज कहते थे उनको भी एक मौका दिया हुआ है। देखिए कांग्रेस पार्टी हैज रूल्ड दिस कंट्री फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स हमारा एक वी हैव सम काइंड ऑफ ए रेप्यूटेशन ठीक है वेदर गुड वेदर बैड वी हैव सम रेप्यूटेशन। अब जो है दोनों जो हम पे निशाना साधते थे उन दोनों को मौका दिया हुआ है कि भाई आपने जो वायदे किए उसको आप पूरा करिए। लेकिन अगर वो दोनों पार्टियां भी नहीं कर पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी वो ठीक था उस सब के बावजूद भी अगर ये पार्टियां परफॉर्म नहीं करती नहीं, हैं तब इनकम्बेंसी का फैक्टर होता ही है 10-15 साल का इनकम्बेंसी कोई चलिए वापस आते हैं। हमारे साथ नागेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं। नागेंद्र शर्मा जी मैं खुद देख रही थी आज दिन भर किस तरह से लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेट कर रहे थे लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। एक जानकार ये तो ये तक कह गए कि खुद लोगों ने अपने को मैंडेट किया है अपने को चुन लिया है इतनी उम्मीदों से भरा ये इलेक्शन है जितना भारी समर्थन आपको मिला है क्या आप इन उम्मीदों के वजन को समझते हैं? मैडम ना केवल हम उम्मीदों के वजन को समझते हैं हम उम्मीदों के वजन पर खरे उतरे थे दिसंबर 2013 में और उसी कारण मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बातें सुनकर। आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि बिजली के बिल कैसे आधे कर देंगे। आरपी सिंह जी बिजली के बिल आधे कर दिए गए थे आपने और आम आदमी पार्टी ने। भाजपा और आम आदमी पार्टी दो पार्टियां थी जिन्होंने दिसंबर 2013 के चुनाव में कहा था आम आदमी पार्टी ने 50%, भाजपा ने 30%। भाजपा अकेली पार्टी थी दिल्ली में लोकसभा चुनावों में जो दिल्ली का घोषणा पत्र लेकर आई थी और उसमें भी कहा था कि 30% कम करेंगे। नागेंद्र जी इससे पहले कि आप अपना जवाब पूरा करें मैं आपको इस बहस का मुद्दा फिर से बताना चाहती हूँ फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा राजनीति न कर हम इसे इस एक पैमाने पे आंकना चाहते हैं कि किस तरह से क्या आम जनता का भारत में जो वोटर है जो इलेक्टोरेट है क्या उसकी प्रकृति बदल रही है क्या उसके वोट डालने का वो क्यों डालता है किस पार्टी को डालता है क्या उसका नजरिया बदल रहा है क्या उसमें सब्र कम हो रहा है धैर्य कम हो रहा है इसलिए मैंने आपसे सवाल आपने मुझसे पूछा था। मैडम आपने मुझसे सवाल पूछा था कि जो उम्मीदों का वजन है उसको आप समझते हैं कि नहीं मैं उसका जवाब दे रहा था आपने मुझे बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं आप अगला सवाल पूछिए। मैं अगर इनसे एक सवाल जी नागेंद्र भाई मनीष के बारे कुछ कह रहे हैं नागेंद्र भाई के जी हाँ एक तो आपको बहुत मुबारक है आपने किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो जनता ने आपको जनादेश दिया है बिल्कुल एक तरफा है भाजपा भी 3 सीटों पे सिमट गई कांग्रेस तो दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई आपको क्या लगता है आप लोगों को जनता कितना हनीमून पीरियड देगी कितने टाइम के बीच में आपको जनता का रुझान आप लोगों से ये हवा साफ होना शुरू हो जाएगी? बिल्कुल मनीष भाई अब की बार का मैंडेट स्पष्ट बिल्कुल क्लियर 5 साल का मैंडेट है जो हमारा घोषणा पत्र आया था दिल्ली डायलॉग के थ्रू उसमें जो जो हमने जनता से वादे किए हैं वो अब बन जाएगा गवर्नमेंट का एक्शन प्लान और जहां हम सही चलें वहां हमें जनता की सराहना मिले जहां हम सही नहीं चलें वहां हमें जनता की आलोचना मिले। लेकिन हम एक चीज स्पष्ट कर दें कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं उनकी राजनीति का जमाना जा चुका है जितना जल्दी वो समझ लेंगे बेहतर रहेगा। विट्रियोलिक कैंपेन चलाना नेगेटिव कैंपेन चलाना पर्सनलाइज अटैक करना ये कम से कम देश की राजधानी में नहीं चलता। हम बिल्कुल तैयार हैं हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है नागिन जी हमें जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जनता की जगी है नागिन जी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें नागिन जी सवाल मैं आरपी सिंह जी एक मिनट सवाल आपसे ये भी बनता है कि जिस तरह के वादे हुए हैं जो इरादा दिखाया है आम आदमी पार्टी ने देखिए दिल्ली अपने ऊपर निर्भर नहीं है बिजली से लेकर पानी से लेकर सब्जियों से लेकर हर एक चीज के लिए आप दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं जहां आपकी सरकारें नहीं है बल्कि वो सरकार है जो कि शायद बहुत फ्रेंडली भी आपके साथ नहीं
नहीं होगी, उस सब के बावजूद आप किस तरह से डिलीवर करेंगे? पिछली बार हमारा जो तजुर्बा रहा है वो ये कि एक सिपाही की बर्खास्तगी पर क्या कुछ करना पड़ा आम आदमी पार्टी को, और फिर भी नतीजा क्या हुआ? ये पूर्ण राज्य नहीं है, जो वादे हैं वो आपकी कैपेसिटी क्षमता से बाहर है, और उम्मीदों का वजन मैं आपसे इसीलिए पूछ रही थी। मैडम, जो हमने पिछली बार किया उसका जनादेश आज जनता ने देख लिया, उस पर मुझे उससे आगे कुछ नहीं कहना। यह बात आपकी सही है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए पूर्ण राज्य के लिए संघर्ष करते रहना पड़ेगा, हम करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है, खैर कांग्रेस तो अब की बार रेस में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को छोड़ दिया है। पूर्ण राज्य का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जो आपने बाकी बातें की कि बिजली वो पड़ोसी जी हैं वो, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, स्टेट शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं, उसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। हाँ, लेकिन जो डे टू डे गवर्नेंस है उसमें जनता का विश्वास जगाना वो एक चुनौती है, एक चैलेंज है, जिसे अच्छी तरह करना होगा। नागिन जी, सबसे बड़ा मुद्दा या बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था सुरक्षा को लेकर, दूसरा बड़ा मुद्दा इसी सुरक्षा के दायरे में ही महिला सुरक्षा को लेकर, दिल्ली पुलिस आपके अंडर नहीं आती, सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उस सबके बावजूद आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारेंगे, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाएं सुरक्षित रहें दिल्ली में? हम जानते हैं बड़ी तादाद में वो टीनेज कॉलेज जाने वाली लड़कियां वर्किंग वुमेन हैं जिन्होंने आप पर उम्मीदों का ये बोझ डाला है और वो चाहते हैं कि आप डिलीवर करें, कैसे करेंगे आप डिलीवर? जी, मैं उस मुद्दे पर आपसे सहमत हूं। वो जो युवा वर्ग है, खासतौर पर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक बार नहीं दूसरी बार हमें लगातार विश्वास व्यक्त किया है। और देखिए, ये बात सही है कि दिल्ली पुलिस, क्योंकि दिल्ली का जो दिल्ली के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें ये बात सही है दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के अंडर नहीं आती, लेकिन महिला सुरक्षा पर हमारा एक क्लियर रोड मैप है। दिल्ली पुलिस से हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस मदद करेगी, लेकिन जहां तक महिला सुरक्षा का रोड मैप है वो जल्दी ही हम दिल्ली के सामने रखेंगे, लेकर आएंगे। हमारा ये मानना है कि पुलिस का उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रोल हो सकता है, प्राइमरी ड्यूटी है पुलिस की, लेकिन एक्सपीरियंस उस तरह का नहीं रहा है। पूरा रोड मैप है जिसको हम फेज मैनर में इंप्लीमेंट करेंगे और बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। जी आरपी सिंह जी, बताइए, फिलहाल 9 महीने गुजर चुके हैं, आम जनता ये चाहती है कि जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो सुहाने सपने, जो अच्छे दिन का वादा हुआ था, वो आम जो उसकी जिंदगी है रोजमर्रा की, उसमें तब्दीली आनी चाहिए थी और उसे झटपट नतीजा चाहिए, उसे 15 लाख रुपए उसके अकाउंट में चाहिए, वो नहीं जानता कि वो जुमला था या नहीं। आपको नहीं लगता कि वाकई जो जनता का मन है, जो उसके वोट डालने के पीछे जो मंशा थी, जो वो चाहता है सरकार से, वो बदल गया है? देखिए, जनता का मन उस समय यह था कि वो भ्रष्ट कांग्रेस से तंग था, जनता का मन था घोटाले वाली कांग्रेस से तंग था। पिछले 8 महीने में एक भी घोटाले की बात आई नहीं। दूसरी बात, जो डिलीवरेबल्स की बात है, आज जनधन योजना के अंतर्गत बेशक पेट्रोल के और डीजल के दाम कम होने के अंतर्गत, बेशक गैस के, कुकिंग गैस के दाम कम होने में, इस सब में जनता को रिलीफ मिला है और बाकी चीज़ें पाइप लाइन है। परंतु मैं नगेंद्र जी को एक बात निवेदन करना चाहूँगा। नगेंद्र जी, आप मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, पहले तो आपको बधाई देता हूँ, आपको बहुत अच्छा मैंडेट मिला, दिल्ली आप अच्छी चलाएं, दिल्ली आप अच्छी चलाएं, ये हम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। और परंतु इसमें एक निवेदन है, जब आप बिजली का बिल आधा करें तो ऐसा करें जिसमें मेरे को भी लाभ हो, ये ना हो कि वो बिजली का बिल आधा सिर्फ 200 यूनिट तक करें, क्योंकि लाभ सबको मिले। और पानी का बिल माफ, ओपन एंडेड कार्यक्रम नहीं, सिर्फ मैं फोकस करना चाहती हूँ कि जो बहस का मुद्दा है उनसे बात करें, आप अपनी बात करें तो सबके लिए माफ करें और ऐसा भी करें ताकि पानी का पानी पहुंचे भी। चलिए अपनी बात करिए, अच्छा होगा, अपनी बात करिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में कब तब्दीली आएगी। रोजमर्रा की जिंदगी जी, आरपी सिंह जी उसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपकी आपकी पार्टी की सरकार है हरियाणा में, आपकी सरकार है केंद्र में, हरियाणा की सरकार का रवैया आपने देखा, वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार बयान बदल रहे हैं, वो कोऑपरेशन आप करते हैं, पानी देंगे, पानी देंगे, आपको हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। परंतु लेकिन आपके चीफ मिनिस्टर तो कह रहे हैं एक सीमा के आगे मैं पानी दे नहीं पाऊंगा। अभी से बात होने लगी, माफी चाहता हूँ मनीष जी, मैं माफी चाहता हूँ। जब मैंने कुछ प्रॉमिसेस किए होंगे तो मैंने कुछ सोच के किए होंगे, मैं कैसे करूंगा, मैं सारी फिजिबिलिटी चीजें देखकर करता हूं। ये तो नहीं मैं बोलूंगा ये कंडीशन है, उस समय कहते ना ये पानी हम पूरा हम पानी माफ करेंगे और पानी सबको 20 लीटर तब देंगे, पड़ोसी वाला पानी तब रेडर नहीं लगा ना, इसलिए मैं निवेदन करूं। मैं तो चाहता हूं, ईमानदार से चाहता हूं,
पांच साल अच्छी सरकार चले, जो आप नए एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वैसे एक्सपेरिमेंट हो और दिल्ली की जनता को रिलीफ मिले, बड़ी बात है। अच्छी और अच्छी बात है कि आप एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार दे पाए। जी बिल्कुल मिलेगा आरपी सिंह जी। बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी, आप कहते हैं कि रगों में जो है हिंदुस्तानियों की कांग्रेस पार्टी दौड़ती है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी जो अपने पुराने पन पे नाज करती आई है, क्या उसे नया बनने की जरूरत नहीं है? जिस तरह से जनता बदल रही है, आकांक्षाएं बदल रही हैं, एस्पिरेशंस बड़ी हो रही हैं, क्या एक नई, एक ज्यादा ऊर्जावान, एक ऐसी पार्टी जो नई जो आकांक्षाएं हैं उनको पुरोए हुए पार्टी बनाने की जरूरत है कांग्रेस को आज? बिल्कुल जरूरत है आफा जी, बिल्कुल जरूरत है। और ये भी आप मान के चलिए कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो 130 साल पुराना है और 130 साल ऐसे ही घटता नहीं है, उसमें जो है काफ़ी चेंजेस आए होंगे 130 साल में भी, तो हर मकाम पे कांग्रेस अपने आप को रीइन्वेंट किया हुआ है और इसीलिए कांग्रेस आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा। ये कांग्रेस का जो है ये एक मूल धारा है कि जब भी कोई सिचुएशन आता है उस पर हम रीइन्वेंट अपने आप को कर लेते हैं, अपने आप को रेलेवेंट कर लेते हैं और उसके बाद ही आगे चलते हैं, और हमको कोई उसमें शक ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस आज भी रेलेवेंट होगा, कल भी रेलेवेंट था और आगे भी रेलेवेंट। नहीं, नई कोशिशों के साथ रेलेवेंट होगा, जैसा है वैसा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, विद न्यू चेंजेस, राहुल जी ने काफी इसके बारे में बात किया हुआ है, काफी मीटिंग्स भी हुए हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ही दिन में क्या कोई लीडरशिप बदलाव का भी हम सुन सकते हैं? लीडरशिप बदलाव क्या है, जो जो अब कांग्रेस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उसके उनके साथ जो है ऑफिस बेयरर्स के पास डिस्कशन होने के बाद ही ये सारा होगा, लेकिन काफी चेंजेस होंगे जी। मनीष शिपर, आपको नहीं लगता कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल है फिलहाल, जिस तरह से हम चल रहे हैं, आम जनता जिस तरह के नतीजों की उम्मीद कर रही है, क्या उसे मिस इन्फॉर्म किया गया है कि जो फास्ट डिलीवरी वाली बात है, क्या वाकई ये डुएबल्स में नहीं है, व्यवहारिक नहीं है इतनी उम्मीद कर लेना? देखिए, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मैं एक बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी, ये नागेंद्र शर्मा सुन रहे हैं, इनके लिए ये एक बहुत चिंता का विषय होगा, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन बोलने के बाद जब आप उस बात को तोलते हो उसके पैसे लगते हैं। अब भाजपा ने जब लोकसभा इलेक्शन थे इन्होंने खूब सारे वायदे किए, अब अमित शाह उसको जुमला कहते हैं, लेकिन सबको लगा, मुझे भी लगा कि 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है, आया नहीं, तो जनता ने सबक सिखा दिया। अभी आपको दिल्ली इलेक्शन में अब आरपी सिंह जी जो मर्जी उसको कहते रहे, आम आदमी पार्टी ने भी जो वायदे किए हैं, मैं देखिए अरविंद केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी है, इट इज़ एक्चुअली नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, ये एक मूवमेंट है, इन लोगों ने स्लम से शुरू किया है और वहाँ इनको समझ है कि लोगों को कैसे खुश करना है, लेकिन जहाँ बात पैसे की आएगी और जहाँ लोगों को खुश करने के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा, वो इनके लिए एक चिंता का विषय होगा और मुझे लगता है उसमें ये कहीं फंस ना जाए, क्योंकि अब इनके पास ये कहने लायक भी ये नहीं रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे को पूरा बहुमत नहीं दिया, आप तो आपकी 100% सरकार। लोगों की आकांक्षाओं में जो बदलाव नजर आ रहा है, क्या आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी उस पैमाने पर बदलते नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए, उसमें ये होना चाहिए था कि इन लोगों को बैठ के, अब देखिए कोई भी राजनीतिक दल है, मैं आरपी सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो 10 बार सोचते हैं कहाँ तक हम प्रॉमिस कर सकते हैं। मुझे लगता है इसी वजह से शायद ये पहली बार हुआ कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो नहीं लाया, विजन डॉक्यूमेंट लाया, बड़ी बड़ी चीज़ें उसमें कह दी, लेकिन जो आम अब इसीलिए मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी अभी एक फुल मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी हुई नहीं है, तो ये इनका एक पहला एक्सपीरियंस होगा जहां लोगों को जो इन्होंने वायदे किए हैं और लोगों का क्या रिएक्शन होगा, अगर क्योंकि इट्स अ बिग इफ, मे बी दे आर एबल टू डू दैट, लेकिन अगर नहीं वो उन वायदों को पूरा कर पाए, लोगों का रिएक्शन कितना होगा और कितनी जल्दी होगा। और बहुत जल्दी इन्होंने बीजेपी के साथ ऐसा होते हुए भी देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष शिवर आपका, ब्रजेश कलप्पा, आरपी सिंह जी और साथ ही हमारे साथ नागेंद्र शर्मा भी मौजूद है। तो साफ तौर पर जिस तरह से मन बदल रहा है, मतदाता का आकांक्षाएं बदल रही है, नया हिंदुस्तान तैयार हो रहा है और आम दलों को, जो राजनीतिक दल है हमारे, शायद उन्हें भी सबको भांप कर जल्दी बदलना ही होगा, क्योंकि राजनीति उनसे पहले बदल रही है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।